डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड करेंगे टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म या सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म, और उस पे आज हम फैमिली पढ़ेंगे सोलेनेसी फैमिली, जिसका ये फ्लावर है धतूरा, धतूरा स्टॉमियम कहलाता है। और आज हम इसको पूरा सा पूरी इसकी टैक्सोनॉमी देखेंगे कैसे करते हैं, तो ये आपके प्रैक्टिकल में भी काम में आएगा जो फ्लावर है, और आपकी थ्योरी में भी ये फैमिली है इसमें देखा जाएगा। तो जब हम इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि इसका डिवीजन है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा मीन्स जो सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो फेलोनियम में रखे जाते हैं। और स्पर्मेटोफाइटा का ये करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें यानी इन इस ग्रुप के अंदर फल और बीज का निर्माण होता है। तो ये फ्लावर ही है, आपको दिख रहा है ये कौन सा फ्लावर है, धतूरे का, ठीक है। उसके बाद इसमें इसको हम कहेंगे इसका सब डिवीजन होगा आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म, यानी स्पर्मेटोफाइटा का वो ग्रुप है जिसमें सीड बनते हैं। अब सीड बनते हैं तो सीड में अगर सीड फल से ढका हुआ है तो वो एंजियोस्पर्म कहलाता है। तो इसका फ्लावर, इसका भी आपने देखोगे कि जो स्पर्म जो धतूरा होता है वो उसका फ्रूट जो है वो फल के साथ ढका, बीज जो है वो फ्रूट से ढका हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसकी क्लास होती है द्विबीजपत्री, यानी इनके अंदर जो बीजपत्रों का नंबर जो होता है वो होता है 2। तो इसकी क्लासिफिकेशन में हम डिवीजन से बढ़ रहे हैं, डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, फिर एंजियोस्पर्म और डाइकोटिली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ये इसका जो सब क्लास होती है वो होती है गैमोपेटली। गैमोपेटली जैसे आपको पैटर्न्स दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर ये पैटर्न जैसे आपको ये इसका गुड़हल का इसका फ्लावर है इसमें भी जुड़े हुए हैं। ये आपका सदाबहार का प्लांट है, इसके अंदर देखो ये सब अलग अलग है, तो ये वाली कंडीशन कहलाएगी पॉलीपेटलस कंडीशन, और ये कहलाएगी गैमोपेटलस। ये सारा का सारा जुड़ के ट्यूब जैसी रचना बनाती है, इसको हम क्या कहेंगे, ये गैमोपेटलस कंडीशन आ रहा है सबको समझ में। तो ये इसकी सब क्लास क्या होगी, गैमोपेटलस। नेक्स्ट आता है इसकी सीरीज जो होती है वो है बायकार्पलेटिक। सीरीज में मतलब कि इनमें जब हम इसके अंदर कार्पस देखते हैं तो कार्पल का नंबर 2 होता है, इसलिए एक सीरीज में कौन सी सीरीज आएगी इसकी, बायकार्पलेटी। बायकार्पलेटी का मतलब होता है कि इसमें जो आपके अंडक जो होते हैं उनका नंबर 2 है, और अंडाशय जो होता है उसकी ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी होती है। और इनमें पुष्प जो होते हैं सामान्यतः हाइपोगैलस होते हैं, यानी ओवरी की पोजिशन सुपीरियर, आगे समझ में, हाइपोगैलस कंडीशन में। अब आपके नेक्स्ट इसकी बात की क्लास ऑर्डर जो होता है वो है पॉलीमोनियस ऑर्डर। पॉलीमोनियस का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसकी लीव जो होती है वो अल्टरनेट लगी होती है, और अल्टरनेट के साथ साथ इनमें फ्लावर जो होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, यानी इस फ्लावर को मैं चाहे किसी भी कार्ड से काटूं, ये इसकी सिमेट्री है, सममित पौधा है, सममित पुष्प है, सममित, तो उसके कारण अब मैं इसको किसी भी एक्सिस से काटूं या ऐसे काटूं या ऐसे काटूं तो ये बराबर 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगा। तो इसको हम इस सममिति को क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिजा सममित, क्या बोलते हैं, त्रिजास। समझ में आ रहा है इसको सब? अब जिसको जो समझे हैं वो खड़ा होकर बोल दें, क्यों, क्योंकि अपने को वो कंडीशन अपने को देखनी है और देख के अपन उसको बताएंगे, नहीं तो अगर अभी नहीं आया तो आप समझ ही नहीं सकते। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होगी। नेक्स्ट अपना आता है इनमें जायाम जो होता है वो कैसा होता है। मैं अब इसको सोलेनेसी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो बीजान्यास जो होता है वो प्लेसेंटा जो वो फूला हुआ होता है, स्वेलन होता है, इसलिए इसको सोलेनेसी कहते हैं। तो यहाँ पर जायांग में के अंडाशय में पट तिरछा होता है, ओवरी जो होगी वो जैसे आपके डायग्राम में भी दिख रहा है कि देखो आपको ये ओवरी कैसी है, तिरछा बनाओगे और ये स्वलन बनाओगे। स्वलन ऐसी में फूला हुआ बीजांडासन जो होता है वो फूला होता है, प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा बताएंगे तो वो बीजांडासन फूला हुआ रहता है। और उसके बाद इसकी मेन फैमिली कौन सी है, सोलेनेसी। सोलेनेसी का करेक्टरिस्टिक फीचर यही होता है कि इनमें मेन कैरेक्टर है स्वयं बीजान्यास फूला और तिरछा पट, ओवरी में पट जो होते हैं वो तिरछा ओवली होता है, पट सेप्टर जैसा है, पट जो है वो कैसे ऐसा सीधा नहीं है, तिरछा होता है। उसके बाद आता है इनमें जो फ्लावर लीव्स जो होती हैं वो अल्टरनेट होती हैं, और पत्तियां जो है उनके अंदर अनुपर्णीय, यानी पत्ती पर किसी भी प्रकार का कोई भी अनुपर्ण यानी पत्ती जैसी रचना और उपस्थित नहीं होगी, इसको एक्स स्टिमुलेट कंडीशन, ठीक है। उसके बाद इसमें इसका जो इंफ्लोरेसेंस होता है वो साइमोस साइमोस होता है, यानी 2 तरह की कंडीशन थी, एक होती है ससीमाक्ष और होती है असीमाक्ष।
असशिमाक्ष के अंदर पुष्पावली व्रत अनियमित लंबाई का होगा और फ्लावर्स जो लगेंगे वो सबसे जो मैच्योर फ्लावर होगा वो कहाँ लगेगा, सबसे नीचे होगा, और सबसे जो नया यंग प्लांट होगा, यंग फ्लावर होगा वो सबसे ऊपर। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है और साइमोस कंडीशन, इसमें पुष्पावली व्रत असीमित लंबाई का नहीं है, वो रुक गया है, यानी उसकी सीमा जो है वो असीमित नहीं है, इसलिए वो असीमाक्ष नहीं होके ससीमाक्ष। आगे समझिए, इसके बाद आता है इसके अंदर अम्बल साइमोस अम्बलेट प्रकार का भी इसमें प्रोसेस होता है। अब आपको ये तो आपका क्लासिफिकेशन था, अब जब हम इसकी हर टर्म वाइज इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले धतूरा, इसको हिंदी में भी धतूरा कहते हैं और इसका बॉटनिकल नेम है धतूरा स्टोमिक, है ना, तो हिंदी और बॉटनिकल नेम जो है वो भी उसका एक साथ धतूरा धतूरा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इनमें इसमें अपन इसका हैबिट देखें तो हैबिट कैसा है, ये ऑर्नामेंटल और वाइल्ड प्लांट। ऑर्नामेंटल मतलब ऐसे सुंदरता के लिए या शोभा के लिए लगाया जाता है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। दूसरा, ये इसको हम ग्रो नहीं करते, ये वाइल्ड प्लांट, ये अपने आप से उगता है। ठीक है, तो ये वाइल्ड प्लांट हो गया। दूसरा है, अगर जब हम इसकी रूट के अंदर पहुंचते हैं कि रूट कैसी है, तो रूट इसकी टैप रूट होती है, मुसला मूल है। रूट दो प्रकार की होती है ना, जब रूट मूलांकुर से निकलती है, मूलांकुर से फिर प्राथमिक जड़, फिर द्वितीयक और द्वितीयक आ जाएंगी, तो जब मूलांकुर से निकली तब तो उसको टैप रूट कहेंगे, और अगर पौधे के किसी भी भाग से निकलती है उसको अवस्थानिक जड़ कहते हैं, तो उसकी रूट कैसी होती है, टैप रूट होती है। आगे समझ में, नेक्स्ट अपना आता है स्टेम कैसा होगा। स्टेम इसका इरेक्ट होता है, सीधा तुमने तोड़ के इतना कल फ्लावर लाया तो पता नहीं लगता, लेकिन स्टेम कैसा है, इरेक्ट है, सीधा है और हर्बेशियस है। दूसरा, उसका कुछ भाग जो होता है नीचे से बुटी है, ब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड है, सिलिंड्रिकल सॉलिड और फिस्टुलर होता है, ट्यूब नलिका का। ठीक है, तो ये इसके करेक्टर सब में लिखने पड़ेंगे, इरेक्ट है, अनब्रांच्ड है, नीचे कुछ पोर्शन इसका बुटी होता है और ये कैसा है, फिस्टुलर होता है। ठीक है, उसके बाद पत्तियाँ कैसी थी, पत्तियाँ या तो मेन स्टेम पे भी लगी होती हैं, ब्रांचेस पे भी लगती हैं, जिसको हम ओलाइन एंड रेबल पिटिशन कहते हैं। पत्तियाँ कैसी हैं, फिट्यूलेट हैं, पत्तियाँ अपने व्रत के साथ लगी हुई हैं तो वो सव्रंथी कंडीशन कहलाएगी, और अगर पत्ती व्रंथ के साथ नहीं, सीधी पत्ती लगी हुई है तो वो उसको अव्रंथी कहेंगे। अब जैसे इसमें व्रंथ नहीं है, सीधी लगी हुई, अगर पत्ती के साथ, पत्ती के पास व्रंथ हो, व्रंथ के बाद उसका पर्णधार लगा होगा तब वो सव्रंथी कहलाएगी, और नहीं है तो वो अयवृंथी कहलाएगी। और उसके बाद आता है, और जब नहीं होता उसको ससाइल भी कहते हैं, और होता है तो पेनिसिलेट कंडीशन कहलाएगी। फिर और उसके बाद पिट्यूलेट होगा, ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि पत्तियां अपोजिट डेक्विस्टेट भी हो सकती है और ऊपरी पुष्पाशन क्षेत्र में अपोजिट, यानी अब जैसे यहाँ पर ये अपोजिट डेक्विस्टेट भी होता है। देखो एक दो पत्तियां यहाँ लगी हुई है और दो दूसरा क्रम उसके अपोजिट है, एक यों लगी हुई है और दूसरी यों लगी हुई, एक नीचे वाला यों और दूसरा यों है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सम्मुख क्रॉस। ये आपके आपको इसमें स्पॉट में भी दिया जा सकता है सेकंड ईयर में, तो आप इसको ध्यान रखोगे कि पत्ती का विन्यास सम्मुख क्रॉस है, ये दो लगी हुई है और अगला जो है वो उसके अपोजिट आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, सम्मुख क्रॉस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इतना आता है कि इसकी पत्तियां जो है वो एंटायर मार्जिन उसकी एंटायर होती है, यानी उसके ऊपर किसी भी प्रकार के वो खांचे बने हुए नहीं होते, अच्छन खोरी कहलाता है, और डेंटेड भी हो या खांच भी हो सकते हैं, डेंटेड हो सकती है, और एक्यूट होता है, यानी उसका आगे का सिरा जो होता है पत्ती का नुकीला होता है, जिसको एक्यूट मार्जिन कहेंगे, और इसमें विन्यास जो होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, यानी यूनिकॉस्टेट होता है, एक शिरे जाली का वह विन्यास होता है। तो ये द्विबीजपत्री पौधे का विशेषता होती है कि अगर हम फूल तक नहीं पहुंचे, केवल पत्ती में भी देखेंगे कि उसका ये कैसा द्विबीजपत्री क्या है, तो द्विबीजपत्री पत्ती की विशेषता होती है कि उसमें जाली का वह शिरा विन्यास पाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है पुष्पक्रम कैसा है। सॉलिटरी एक्सिलरी है, एक एक्सिल पर केवल एक ही पाया जाता है फ्लावर। ये एक्सिलरी टर्मिनल या बाइपेरस साइन भी हो सकता है कि
पुष्पावली व्रत असीमित लंबाई का नहीं है, रुक गई, लेकिन उससे दो ब्रांचेस निकली हैं, तो ये बायपेरस होगा। अगर एक ही में एक ही एक्सिस के साथ बढ़ता जा रहा है तो वो यूनिपेरस होगा, और वो रुक गया और दो ब्रांचेस निकली, फिर उससे फिर आगे फ्लावर्स बनते जा रहे हैं, तो वो बायपेरस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम देव शाखी क्या बोलते हैं, वर्ड आएगा देव शाखी, ससीमाक्ष भी हो सकते हैं, एक शाखी भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो होगी बायपेरस, बायपेरस साइन। उसके बाद आता है पुष्प, जैसे अब पुष्प मैं देखूं तो पुष्प जो है वो सीधा नीम पत्री है, यानी पुष्प जब व्रत के साथ लगा हुआ है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की पत्ती जैसी संरचना नहीं है, वो ई ब्रैक्टीरियड कंडीशन है। क्या कहलाएगी? ईबीएम, ई ब्रैक्टीरियड है, यानी असहपत्री। समझ में आ गया? असहपत्री को जब पुष्प सूत्र लिखेंगे तब उसमें ईबीआर लिखेंगे। आगे समझ में? अब नेक्स्ट अपना आता है फ्लावर जो होता है वो बैक्टीरियोलेट नहीं है, तो ई बैक्टीरियोलेट है। एक पत्री का सहपत्र होना और बहुत सारी पत्रिका का भी नहीं होना तो ई बैक्टीरियोलेट कहलाएगा। पेडिसिलेट है, ये भी अपने देखो ग्रंथ के साथ लगा हुआ है, तो ये इसको हम कहेंगे पुष्प कैसा है, सवंती। पूर्ण का मतलब होता है जब पुष्प में चारों पार्ट हो। ये आपको कैलिक्स दिख रहा है, ये इसका पुमंग, ये आपके बाहेदल है, ये दल है, और जब मैं इसको खोलूंगी तो इसमें पुमंग भी दिख रहा है और जायंग भी दिख रहा है, तो पुष्प कंप्लीट कहलाए। यानी जो फ्लावर के अंदर कैलिक्स, करोला, एंडोशोम, यानी बाहेदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायंग सभी वो पुष्प पूर्ण कहलाता है। आपका एक नंबर का क्वेश्चन आता है पूर्ण, तुम इसको लगाओ या फिर दादा गिरी का है, तुम्हारे कहा है मास्क लगाओ, दोनों क्या है, फिर भी लगाओ, छू 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 नाक को करते हो, बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को प्रोटेक्ट रखो, दूसरों को भी प्रोटेक्ट रखो। नेक्स्ट आता है इनमें ये बायसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक भी है, कि अगर हम फ्लावर को मैं किसी भी एक्सेस से काटूंगी तो दो बार से बढ़ जाएगा, वो एक्टिनोमॉर्फिक होगा। उसके साथ है हाइपोमेनस कंडीशन का मतलब होता है, जायांग का मतलब होता है जब पुष्प के ऊपर जायांग की पोजीशन सबसे ऊपर और उसके सदस्य उसके बाद लगे हुए हों, तब उस कंडीशन को जायांग कंडीशन कहते हैं। और ये साइक्लिक है, पेंटामेरस है, यानी इनका हर एक का नंबर, चाहे बाहेदल है, दलपुंज है, पुमंग है या जायांग है, वो फाइव नंबर में होते हैं, तो इस कंडीशन को बोलेंगे पेंटामेरस या पंचदेव। आगे समझ में? उसके बाद नेक्स्ट आता है ये हल्का गुलाबी या बैंगनी या वाइट कलर का होता है। ठीक है, अब मैं इसको तोड़ रही हूँ, जैसे ये बाहेदल पुंज जो है इसके साथ यहाँ पर देखें तो ये पूरी पूरी की पूरी ट्यूब है, ये जुड़े हुए हैं बाहेदल, देखो मैंने उसको निकाल दिया तो ये आपके बाहेदल अलग हो गया, लेकिन ये भी क्या है, ये सभी जुड़े हुए हैं, इसको फूल को ही तोड़ दिया। ये देखो ये पांचों की पांचों जुड़े हुए है ना, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि बाहेदल पांच है और संयुक्त बाहेदल, तो फाइव और फाइव के आगे ब्रैकेट लगा, समझ में आ रहा है, इनका नंबर ये पांच है और पांचों की पांचों जो जुड़े हुए आएंगे, अलग नहीं है, तब इस कंडीशन को क्या कहेंगे, पांच और पांच संयुक्त बाहेदली। घंटाकार दिख रहे हैं तुम्हारे को, ये कैसे हैं, घंटाकार होते हैं और दूसरा ऊपरी छोर पर ये पांच भागों में बटा हुआ है, एक साथ तो जुड़ गया और ऊपर सिरे में हमको पांच अलग अलग भागों में, लेकिन वो एक दूसरे से अलग नहीं है, तो ये संयुक्त दली कंडीशन कहलाएगी। आगे समझ लो संयुक्त बाहेदली। और इसके बाद ये रोमिल होते हैं, चिर लग्न होते हैं, सोलानेसी में आप देखो बैंगन आता है, इसके अंदर बैंगन के साथ बैंगन का उसकी जो मुकट है वो बैंगन का जो ऊपर का जो काट के निकालते हो तो वो उसका फल के साथ चिरलग्न बाहेदल रहेगा। जब फ्रूट बन जाता है तो फ्रूट में तो पुष्प का तो कोई पार्ट नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर चिरलग्न कंडीशन है। टमाटर देखो, बैंगन देखो, ऊपर दिखती ना उसकी टोपी, वो क्या है, चिरलग्न बाहेदल, जो वैसे तो फल बनेगा तो फल के साथ उसको हट जाना चाहिए, लेकिन फल के साथ फूल का पार्ट चिरलग्न बाहेदल पाए, इसको हम चिरलग्न कंडीशन कहते हैं। आगे समझ में? नेक्स्ट आता है इनमें दलपुंज, जो दल जैसे देखे जाए तो अब ये दल जो है मैंने यहाँ देखा, ये दल देखो, ये भी पांचों पांच है मिलके एक पूरी ट्यूब जैसी रचना बना रहे हैं, इसको मैंने अलग कर लिया, ये देखो, और इसमें ये दल लग्न कंडीशन देखो कितनी साफ दिख रही है, उमंग जो है वो दल के साथ लगे हुए हैं, इसको कहेंगे दल लग्न कंडीशन, और दल सभी जुड़े हुए हैं,
तो फाइव है और फाइव फ्यूज्ड है, दिख रही है सबको? ये कल ये दल है और ये दल जो है वो जुड़े हुए हैं, ये देखो ये ऐसे आ गए, क्लियर है? तो अब इसको हम क्या कहेंगे कि इसमें दलपुंज कैसे हैं, पांच हो गए, पांच पालियों में विभक्त है और घंटाकार है, टेम्पलेट कहलाते हैं, कोर स्पर्शी इसमें विन्यास पाया जाता है, एक दूसरे के साथ केवल स्पर्श कोर ही स्पर्श कर रही है इनकी, और ये व्हाइट कलर के होंगे और हरे पीले रंग आगे समझ। अब अपने अपना इसके मेंबर के मेल पार्ट पे जाते हैं, मेल है इसका कुमंग, दल के साथ लगे हुए हैं, ये इसका फिलामेंट है, फिलामेंट पर ये पराग कोश लगे, क्लियर है सबको दिख रहा है? तो इसमें कुमंग कहेंगे पांच, पांच और पांचों पांच पंच फुंके सिरी हो गए, और ये पॉलीएंड्रस कंडीशन होते हैं, ये दल के साथ एकांतर है और उसके साथ साथ आता है, इनमें पुतंतु छोटे हैं और ये पराग कोश जो होता है वो द्विकोष्ठीय है, दो कोष्ठों में बटा हुआ है, और ये आधार लग्न कहलाते हैं, केवल फिलामेंट के साथ पराग कोश का पार्ट केवल आधार के साथ लगा, जैसे इस कंडीशन को हम कहते हैं बेसी फिक्स्ड। देखो यहाँ पर जो ये तंतु है, फिलामेंट है, फिलामेंट के साथ पराग कोश का केवल आधार जुड़ा हुआ है, इसको हम आधार लग्न, क्लियर है सबको दिख रहा है? ये अपना थर्ड मेंबर हो गया। अब नेक्स्ट अपने इस पे आते हैं कि इसके अंदर वर्तिका कैसी होती है, ये आ गया वर्तिका, इसी के साथ लगी हुई थी और ये टूट गया था पोर्शन, तो ये यूं यूं जुड़ा हुआ, ये पोर्शन ये हो गया, ये यहां पर ये इसकी वर्तिका, और वर्तिका जो है ना वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, ये वाला पाइप फिट होती है, दिख रहा है सबको, क्लियर है? तो यहाँ पर ये इसका जायांग का पार्ट है, जायांग में स्टाइल स्टिग्मानोपी, ये इसकी स्टाइल है, वर्तिका वर्तिका और नीचे इसकी ओपी, क्लियर है सबको? तो इसमें जायांग कैसा है, द्विमंडपी, जब इसका आप सेक्शन काटोगे जायांग के साथ ये स्वेलन दिख रहा है और तिरछा दिखेगा, जायांग कैसा है, द्विमंडपी, युक्तांडपी और ओपी सुपीरियर, आप इसका सेक्शन काट के मेरे को टीएस काटोगे, टीएस ऑफ ओवरी की, तो आपको ओवरी सुपीरियर दिखेगी, बाइकार्पुलरी है और सेंट कार्पस कंडीशन है कि ओविल्स ऑफ कार्पस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मातृक्ष के साथ, अंडाशय अपनी मातृक्ष के साथ 45 डिग्री के कोण पर मुड़ जाता है, इसलिए वो ओब्लिक कहलाए, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, ओब्लिक एक्साइल प्रेजेंटेशन है लेकिन तिरछा है और उसमें बीजांडासन फूला हुआ रहता है, स्वेलन प्लेसेंटा पाया जाता है, स्टाइल स्टिग्मा और ये इसकी ओब्लिक जो है ना स्टाइल जो है बाइफिड होती है, बाइफिड यानी दो पार्ट्स में बटे हुए, देखो क्या। अब उसके बाद इसका फ्रूट कैसा होता है, बेरी फ्रूट कहलाता है और ये ऑरेंज कलर के रेड कलर के होते हैं और उस फ्रूट के ऊपर परसिस्टेंट कैलिक्स पाया जाएगा, चिर लग्न बाहेदल पाया जाएगा, अब देखो भूतुरे का फूल देखते हैं ना, इसके ऊपर टोपी होती है, बैंगन के ऊपर टोपी होती है, ये क्या है, चिर लग्न बाहेदल की स्थिति होती है, पुष्प सूत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, और ए का नंबर भी पांच है लेकिन ए और सी के ऊपर दल लग्न कंडीशन के लिए कैप आ गए, और सी के जो आपका गायनेशियम की कंडीशन देखोगे तो गायनेशियम भी कैसा है, बाय कार्पलरी है, दो कार्पल हैं, कार्पल आपस में जुड़े हुए हैं, सिंक कार्पस कंडीशन होगी, ओवरी सुपीरियर नीचे लाइन, समझ में आ गया? तो अभी अपन ने फैमिली कौन सी की है, सोलनेसी फैमिली, समझ में आ गया आपको? तो आप आज ये आज अपन ने सोलनेसी